लोकसभा चुनाव में इस बार वोटिंग परसेंट बढ़ाने के प्रयासों में पौड़ी जिले का निर्वाचन विभाग जुटा हुआ है। स्वीप अभियान चलाकर वोटर को वोटिंग के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिसमें कॉलेज छात्रों की मदद लेकर नुक्कड़ नाटक के जरिए भी जागरूकता फैलाई जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 85 वर्ष से अधिक बुजुर्ग मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं की वोटिंग घर घर जाकर की गई और इस बार 91% वोटिंग बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने की है। निर्वाचन अधिकारी ने 19 अप्रैल को बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील लोगों से की है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि मतदान के प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। उसी क्रम में हमारे टर्नआउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी बनाया, बूथ लेवल पे प्लानिंग की गई है। जो हमारे एब्सेंटी वोटर्स हैं या कहीं बाहर रह रहे हैं, उनको भी फोन कॉल्स किए गए हैं, बड़ी संख्या में फोन कॉल्स किए गए हैं। मतदान की शपथ भी दिलवाई गई है कि जो शतायु मतदाता हैं 112 हैं, उनको भी हम लोग ट्राई करें कि उनके द्वारा भी वोट डाला जाए। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी हम लोगों ने कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं। 1826 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था 12D के लिए, उसमें से अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन है 1666 लोगों के द्वारा मतदान किया गया, 91% के आसपास कहीं डिटेल।